वेलकम बैक टू माय चैनल डबल ए एडिट्स। आज के इस वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ, आज तकरीबन हमारी थर्ड क्लास है जी। तो थर्ड क्लास में मैं आप लोगों को आज बताऊंगी, सारा सेशन दूंगी कि आप लोग किस तरह से क्रॉप टूल को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जैसा कि रिसेंटली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी वो मेरी आई थिंक उस लेयर पैनल पे थी वो वीडियो। तो आज की जो वीडियो जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो जो हमारी वीडियो होगी वो बेसिकली रिलेटेड होगी क्रॉप टूल से। तो क्रॉप टूल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्रॉप टूल को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और कैसे किया जा सकता है क्रॉप टूल को। क्रॉप टूल बेसिकली हमारा यहाँ पे है क्रॉप टूल, ठीक है। क्रॉप टूल के ये जो टू ऑप्शंस हैं ये कुछ ज़्यादा सीखने के लिए हमें मिलेंगे, मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बाकी चीज़ों का इतना इनका यूज़ नहीं होता, तो इसलिए हम फर्स्ट टू जो पॉइंट्स हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव टूल और एंड क्रॉप टूल, इसके बारे में ही मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट मकसद हमारा क्या है, यहाँ पे अगर कोई पिक होगी तभी तो हम उस पर अप्लाई कर सकेंगे क्रॉप टूल के। क्रॉप टूल क्या काम करता है और किस तरह से काम करता है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप पे एक आइकन बना के रखा हुआ है लेयर क्रॉप टूल के नेम से। यहाँ पे क्रॉप टूल के नेम से आप लोगों को एक आइकन भी नज़र आएगा, अगर मुझे तो मिल नहीं रहा, लेकिन अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। जी तो वो मिल चुका है। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं क्रॉप टूल को। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाली एक पिक है या ये वाली पिक सबसे पहले हम ओपन करेंगे। यहाँ पे ये पिक जो है वो फोटोशॉप में ओपन हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इन्हीं पिक्स पे आप लोग ट्राई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं कि यही हमारे हम भी करें और जी, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इन सारी पिक्स का जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जस्ट उसे ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो पिक है जिसके बारे में मैंने अभी ओपन की है वो मेरे सामने आ चुकी है। फुल HD में ये पिक है, कहीं से ब्लर नहीं होगी। ऐसी पिक्स का बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से लेती हैं, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोज़ में, अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ गौर से सुनते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा कि मैं ये पिक्स वगैरह कहाँ से लेती हूँ। अनसप्लैश, आप लोग गूगल पे जाएँ, अनसप्लैश लिखें तो आप लोगों को वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पिक्स मिलेंगी, फुल HD में पिक्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पिक है, अगर हम क्रॉप टूल का यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहें तो बजा होगा, और अगर क्रॉप टूल में अगर आप लोग ये चीज़ नहीं लेना चाहते, अगर आप लोगों की चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप लोग यहाँ से इसको इधर से कट कर सकते हैं। अगर आप लोग जस्ट इतनी ही चीज़ लेना चाहें कि हमारा सिर्फ जो बाउल है जस्ट वो ही आए और कोई चीज़ इसमें ऐड ना हो, तो आप लोग वो भी ले सकते हैं। इतने एरिया में, रेक्टेंगुलर एरिया में जितनी भी हमारी चीज़ आएगी जस्ट ये उसी को क्रॉप कर देगा और हमें कोई पिक नहीं देगा। यहाँ पे आप लोग इसकी रेशो भी चेक कर सकते हैं, ओरिजिनल रेशो रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, स्क्वेयर की शेप में अगर रखना चाह रहे हैं तो वो भी रख सकते हैं, फ्रंट इमेज के तौर पे आप लोग 4x5 भी रख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट हमें अभी रेक्टेंगुलर साइज में चाहिए, तो आप लोग जस्ट जैसे ही आप लोगों को लगे कि मेरी सिलेक्शन ठीक है, आप लोग यहाँ से टिक का एक आइकन आप लोगों को नजर आएगा, आप लोग जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को इसकी प्रोसेसिंग और इसके रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा। रिजल्ट हमारे सामने वही आएगा कि जस्ट एक बाउल हमारे सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाउल हमारे सामने आ चुका है, बाकी जो पिक थी वो यहाँ पे कट चुकी है, आप लोगों को पता चल चुका होगा। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को करके दिखाऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह से हमारी पिक पहले किस तरह की थी और अब हमारी पिक किस तरह की हो चुकी है। जी तो क्रॉप टूल इसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास कभी कभी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जिन्हें हम लेना नहीं चाहते, लेकिन वो हमारे पिक में आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने इतनी ज़्यादा चीज़ को रिमूव किया और हमारे सामने जो पिक थी वो इसने हमें दे दी, और यहाँ पे इस पिक का जो कि मकसद था वो तो आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि क्रॉप टूल क्या काम करता है। अगर आप क्रॉप करना चाहें जस्ट इतनी सी चीज़, ये भी हमें क्रॉप करके दे देगा। यहाँ पे आप टिक करें तो इतनी ही चीज़ जस्ट हमारे सामने क्रॉप होके आ जाएगी। क्रॉप टूल बड़े अच्छे तरीके से काम करता है और बड़ी सफाई से और बड़ी क्लियरिटी से हमें वो पिक प्रोवाइड करता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैं अंडू कर दूंगी और जो मेरी पिक है उसे मैं अपने सामने ले आती हूँ, जो कि बाउल था
जी, तो यहाँ पे मैं जो बाउल है वो ले आई हूँ। बहुत से लोग कमेंट सेशन में पूछते हैं कि आप ये पिक्स कहाँ से लेती हैं। मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। जी, तो अब नेक्स्ट पिक की तरफ हम चलते हैं। यहाँ से आप फाइल और इधर से ओपन के आइकन पे अगर आप क्लिक करें, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया लेयर के आइकन, क्रॉप टूल के आइकन फोल्डर से मैंने एक फोल्डर बनाया है यहाँ पे क्रॉप टूल के नेम से। यहाँ पे इस पिक का तो हम मैंने आप लोगों को बता दिया सब कुछ करके। यहाँ पे अब मैं लूंगी इस पिक को, ठीक है। इस पिक को जस्ट लेने के बाद यहाँ पे ओपन के आइकन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो वो पिक ओपन हो जाएगी न्यू टैब में न्यू ऑप्शंस के साथ, ठीक है। इस पे भी हम क्रॉप टूल अप्लाई करेंगे। जितनी चीज आप लोग चाहें क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप टूल आप लोगों को बेसिकली कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे क्रॉप टूल के बारे में ना पता हो। आजकल क्रॉप टूल को हर किसी को पता है। व्हाट्सएप पे आप लोग यूजुअली अगर कोई पिक किसी को भेजते हैं तो वहां पे क्रॉप टूल का एक ऑप्शन आपको नजर आता है। अगर आप अपनी पिक कम करना चाहें या ज्यादा करना चाहें या अपनी पिक को छोटा करना चाहें तो आप लोग वहां से अपनी पिक को या कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं। क्रॉप टूल बेसिकली सबको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि सब हर किसी को क्रॉप टूल के बारे में पता होगा। जी, तो यहाँ पे क्रॉप टूल जो कि ये इमेज थी वो मैंने ओपन कर ली है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे जूम करने के बाद आप लोग अक्सर ये चीज देखेंगे कि यहाँ पे हमारी जो कि प्लेट की शेप है ना कि हमारी रेक्टेंगुलर में आ रही है बल्कि अलग ही शेप है। तो आप लोग सोचेंगे कि हम इसे लेना ही गुलाई में चाहते हैं या इसी तरह जिस तरह ये है उसी तरह हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को क्रॉप टूल जो कि है वो आप लोगों की इसी शेप में क्रॉप करेगा, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ये इस शेप में हो जिस शेप में हमारी प्लेट है तो आप लोग जस्ट यहाँ पे जाएं, लैसो टूल इस्तेमाल करें। लैसो टूल पे क्लिक करने के बाद आप लोग जस्ट यहाँ पे, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी इधर क्लिक करेंगे, प्लेट के साथ साथ आप लोगों ने क्लिक करना है। जहां ही आप लोगों ने थोड़ा सा गलत कर दिया वहीं से हमारी जो प्लेट की शेप है वो भी खराब हो सकती है। जी, तो यहाँ बड़े ध्यान से और बड़ी बारीकी से हमें यहाँ पे ये वाला टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस टूल का मैंने नेम नहीं देखा, मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ ये कौन सा टूल है। जी, तो यहाँ पे ऐसे ही आप लोग बड़े अच्छे तरीके से बड़ी क्लियरिटी से बड़े आराम से आप लोगों ने इसकी सिलेक्शन लेनी है। अगर सारा मेन मकसद ही सिलेक्शन का होता है, अगर हमारी सिलेक्शन नहीं अच्छी तो हमारा जो कि हमारी प्लेट का जो कि सिलेक्शन है वो खराब होगी तो हमारी पिक जो है वो भी खराब हो सकती है। यहाँ से मैं कंट्रोल जे करें, यहाँ से कट करें तो यहाँ पे जो प्लेट है वो हमारी कट हो जाएगी। कट होने तक का वेट करें आप लोग। फोटोशॉप में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ से आप लोग प्लेट देख सकते हैं, यहाँ से कट हो चुकी है। दोबारा जाएं एडिट पे, यहाँ पे पेस्ट का आप लोगों को एक ऑप्शन नजर आएगा। पेस्ट पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग अपनी प्लेट को जहाँ पे भी चाहें फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ चाहें जहाँ मर्जी आप लोग चाहें अपनी प्लेट को फिक्स कर दें। इधर से अगर आप लोगों को मैं एक और ऑप्शन के बारे में बताती चलूं, यहाँ से अगर आप लोग क्रॉप टूल की ही मदद से यहाँ से जस्ट अपनी स्ट्रॉबेरी को लेना चाहें तो यहाँ से आप लोग अपनी स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं अभी स्ट्रॉबेरी नहीं लूंगी तो इसकी वजह से मैं इसे अंडू कर दूंगी। यहाँ से अगर आप लोग अपनी जस्ट ये वाला बाउल उठाना चाहें तो आप लोग इस बाउल को भी यहाँ से ले सकते हैं। क्रॉप टूल बहुत सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ क्रॉप टूल को बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें अपनी पिक में कोई भी चीज़ अच्छी नज़र नहीं आ रही तो हम उसे भी क्रॉप कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी सफाई से। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमने जो बाउल यहाँ से लिया है बिल्कुल पता नहीं चल रहा किसी पिक से कट किया है। क्रॉप टूल का मेन मकसद ही यही होता है, बड़े प्रोफेशनल तरीके से वो किसी भी चीज़ को कट के हमारे सामने ले आता है। यहाँ पे अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये जो चीज़ है ये कैसे अरेज की जाए। यहाँ पे जी, यहाँ पे जो गलती है मेरी तो मैं उसे भी आप लोगों को ठीक करके बता देती हूँ। यहाँ पे क्लोन स्टैम्प टूल भी बड़े अच्छे तरीके से इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से जस्ट आप लोग आल्ट प्रेस करें, इसको ऑप्शन को ले लें और आप लोगों को मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से करते हैं। जी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसने आप लोगों की पिक में जो फॉल्ट था वो ठीक कर दिया है। क्लोन स्टैम्प टूल मैस अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी, तो अब नेक्स्ट पिक की तरफ हम जाते हैं। यहाँ से फाइल और ओपन करते हैं जो जो पिक हमने ओपन करनी है। यहाँ पे मैं इस पिक को ओपन कर लेती हूँ।
ओपन करने के बाद ये भी पीक के मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस तरह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे भी काम करता है। अगर किसी बुक को हमें वहाँ से अगर उसका कोई पेज कैप्चर करना हो तो बड़े अच्छे तरीके से ये हमें कैप्चर करके दे देता है और कोई चीज़ इसमें ब्लर नज़र नहीं आती, जितना बल्कि आप लोग इसे जूम करेंगे उतना ही अच्छा हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट मिलेगा। आप लोग जाएं इधर क्रॉप टूल के नीचे, आप लोगों को सेकंड पे परस्पेक्टिव टूल का एक ऑप्शन नजर आएगा, जस्ट यहाँ पे आप लोग क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इधर जी यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग बुक के कॉर्नर्स पे आप लोग क्लिक करें बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से, और जस्ट यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद आप लोग ने जस्ट टिक के आइकन पे क्लिक कर देना है। जो बुक का एक पेज है हमारे सामने बड़े अच्छे तरीके से और बहुत ही HD शेप में हमारे सामने आएगा, ना ही कोई चीज़ ब्लर होगी और ना ही कुछ होगा। आप लोग देख सकते हैं इसने किस तरह से हमें पूरी बुक में से एक पेज हमें ला के दे दिया है और कोई ब्लरनेस नहीं है इसमें और पिक फुल HD में हमारे सामने आई है। एक और पिक यहाँ पे मैं ओपन करके यही वाला दोबारा आप लोगों को ऑप्शन करके दिखा देती हूँ कि कैसे किया है। मैं आप लोगों को बार बार बता दूँ, परस्पेक्टिव टूल है ये, इसका नेम परस्पेक्टिव टूल है और बड़े अच्छे तरीके से ये काम आता है किसी भी बुक के पेजेस को कैप्चर करने के लिए या कट करने के लिए। बहुत जितनी मर्जी बड़ी पिक हो ये उसे बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। यहाँ पे हम इसे डुप्लीकेट लेयर बना लेते हैं, कंट्रोल J से आप लोग किसी भी लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर मैं इसे जूम करूं, यहाँ पे मैं इस पिक को जूम कर लेती हूँ और जितना आप लोग जूम करेंगे उतना ही अच्छा ये हमें रिजल्ट मिलेगा। जूम करके मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ आप किसी भी पिक को कट करें यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मैं जस्ट अगर इतना ही इतना लेना चाहूँ, यहाँ से शिफ्ट अगर आप लोग प्रेस करें तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लाइनिंग की शेप में ये आप लोगों को कट करके दे देगा। और यहाँ पे मुझे जस्ट इतनी ही चीज़ चाहिए इसकी, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी जस्ट, और यहाँ पे क्लिक के आइकन टिक के आइकन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इसका भी पेज बड़े अच्छे तरीके से बड़ी HD शेप में देगा। और क्रॉप टूल के बारे में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, क्रॉप टूल एंड परस्पेक्टिव टूल के बारे में आप लोग बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ चुके होंगे कि वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें आप देख रहे हैं किस तरह से एक एक वर्ड की हमें यहाँ पे समझ आ रही है। नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।